हाई स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन नॉलेज अप टू यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, अब 1.4 तक स्टडी करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर न्यू टॉपिक, दैट इज 1.5 नुजोस प्रोजेक्ट। लेट्स स्टार्ट नुजोस प्रोजेक्ट टॉपिक, बट बिफोर टू स्टार्ट इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर द डिटेल्स ऑफ आवर एनी अपडेट ऑफ रिलेटेड your fifth class syllabus. It is very necessary to subscribe this channel, so please subscribe it first of all. Let's start today's topic, Nujo's project, that is a spaceship settles in front of Akshay house. Dekho what happened, there was a Akshay house and there what happened, a spaceship means जिस शिप में यान सरीका होता है, जैसे हमने वो अपने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली, वो अपने ऋतिक रोशन वाली मूवी जिसमें जादू है वो एलियन, तो उसमें जो वो स्पेसशिप आती है, सेम वैसे ये जो है ये स्पेसशिप है, ये जो स्पेसशिप, दिस इज स्पेसशिप, इट्स सेटल इन फ्रंट ऑफ अक्षय हाउस, अक्षय के घर के सामने ये अभी ये स्पेसशिप आकर रुकी है। और व्हेन अक्षय केम आउट फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट ही सेड, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, व्हाट डू आई सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय सॉ द लाइट ऑफ दैट स्पेसशिप एंड ही वाज सरप्राइज एंड ही सेड हिमसेल्फ दैट व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, व्हाट डू आई सी, आई मस्ट सी इट, व्हाट इज कमिंग। देन देयर वाज वन alien, that the name of that alien is Nujo. Hello, and what he said to Akshay that hello, I am Nujo from the planet Mars, and we everybody knows that alien means the human who lives on the other planets, jaise hum prithvi is planet par earth pe rehte hai, waise wo Mars pe rehne wala tha Nujo, Mars yani mangal jo प्लैनेट है वो मास्क, तो ये मास्क पे रहने वाला नुजो है एंड ये नुजो इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू अक्षय दैट इज आई एम नुजो एंड फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ मार्स, मैं नुजो हूँ, मार्स से आया हूँ, मार्स प्लैनेट से आया हूँ, यहाँ पे वो इसको इंट्रोड्यूस करके दे रहा है। बाद में देखो, व्हाट डू यू मीन रियल, आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी। उसके बाद देखो, यहाँ पे जब वो एलियन ने उसको इंट्रोड्यूस करके दिया, तो अक्षय ने क्या सरप्राइजली क्या कहा उसे, तो अक्षय ने उसे कहा हेलो आई एम अक्षय, आई कांट बिलीव माय आईज, आर यू रियल। देखो अब जब नुजो ने उसको इंट्रोड्यूस करके दिया हिमसेल्फ टू अक्षय, दैट टाइम अक्षय सरप्राइज एंड ही सेड टू द नुजो दैट हेलो आई एम अक्षय, आई कांट बिलीव माई आईज, आर यू रियल, मेरे आँख पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा है कि जैसे नुजो रियली मेरे सामने आया है। तो उस पर क्या रिप्लाई नुजो देता है, तो देखो, व्हाट डू यू मीन रियल, अरे रियल क्या ये मीनिंग है, मैं रियल में ही हूँ, आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आई नीड हेल्प। एंड देन व्हेन अक्षय सेज दैट आई कांट बिलीव माई आईज, that time Nujo replied that it's real and I am here because of to complete the project of my school and that project is related to the human body parts, so I want your help. Oh, you to have project, I will help you, I have many charts, models, books and tablet. When Nujo asked about the help, at the time Akshay told him that oh, you to have project, आपको भी प्रोजेक्ट होता है, ही सरप्राइज एंड ही सेड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू बिकॉज आई हैव मेनी मटेरियल रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, आई हैव मेनी चार्ट्स, आई हैव मेनी मॉडल्स, बुक्स एंड टैबलेट, सच थिंग विच आर वेरी यूजफुल टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। एंड देन व्हाट हैपन, दिस मॉडल अक्षय शोइंग टू द नुजो एट दैट मॉडल, फर्स्ट देयर इज अ चार्ट, देखो ये चार्ट देखते हैं हम पहले, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो बॉडी पार्ट्स, दैट इज द फोरहेड, दिस इज द फोरहेड
एंड फोरहेड मीन्स एक कपाळ, मराठी में कहते हम कपाळ म्हणतोय आपण मराठी मध्ये त्याला, ते फोरहेड, आयब्रो, दॅट इज द आयब्रो, आयलॅशेस, आयब्रो मीन्स भुवया मराठी मध्ये ज्याला म्हणतो आपण, आयलॅशेस ये पापणी होती आहे, पापणी, पापणीवरील जे काही बारीक बारीक हेअर्स होते उसे आयलॅशेस कहते हैं। चीक्स, चीक्स यानी गाल जो होते हैं, चीन यानी हनवटी जो ये पार्ट होता है हमारा चीन वाला, तो ये थ्रोट है यानी थ्रोट, एवरीबडी नोज, नेक यानी मान, नॉस्ट्रिल यानी वन साइड ऑफ नागपुडी म्हणतो अपन त्याला मराठी मध्ये, आईलिड, आईलिड यानी पापनी, आईलिड। तो ये जो पार्ट्स है ये सब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, ये क्या है, ये सब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है। यहाँ पे भी फुल इमेज में बताया गया है, यहाँ पे फेस दिया है, ये जो पूरा पार्ट है इसे हम फेस कहते हैं, ये पाम है, पाम ने तलवा, तलहात, एल्बो कोपर आपला है, वेस्ट यानी कमर होती है, नीज यानी अपना गुड़गा ज्याला मराठी मध्ये, घोटा एंकल्स ज्याला म्हणतो अपन, हील यानी टाच, बिग टो यानी ये बड़ा वाला जो फिंगर होता है अपना लेग्स का, अंगठा बोलतो अपन त्याला, आणि ये बाकी की टोज होते हैं, लेग यानी पाय, थाय यानी मांडी, हैंड यानी हाथ, रिस्ट यानी आपलं मनगट, स्टमक, स्टमक यानी पेट, आर्म हे बाहू म्हणतो आपण त्याला, आर्म, चेस्ट यानी ये छाती, आणि ये शोल्डर, शोल्डर म्हणजे हे काय, खांदे, खांद्याचा भाग, हा शोल्डर, दिस इज ऑल्सो शोल्डर। तो ये सब जो है ये सब एक्सप्लेन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है, और उसके बाद में ये सब आपको कॉपी भी करना है, ये सब जो बॉडी पार्ट्स है उसको लिखना है, कॉपी करना है, और उसका मीनिंग यानी मराठी हिंदी में आपको जिस लैंग्वेज में आसान हो समझने के लिए उस लैंग्वेज में उसका मीनिंग भी आपको लिखना है। उसके बाद क्या आता है तो देखो, उसके बाद नाउ लुक एट मी, दिस इज माई एल्बो ज्वाइंट। देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके दे रहा है अक्षय नुजोस को कि दिस इज माई एल्बो पॉइंट, आई कैन मूव इट लाइक दिस, एंड ही इज शोइंग दैट ही मूविंग हिज हैंड एंड ही टेलिंग टू नुजो दैट आई कैन मूव इट इजिली माई एल्बो, मीन्स अक्षय कैन मूव हिज एल्बो इजिली। देन व्हाट ही सेड, दिस इज माई शोल्डर ज्वाइंट, ये जो है ये शोल्डर ज्वाइंट है, और उसको मैं कैसे घुमा सकता हूँ, आई कैन टर्न इट इन 360 एंगल, यानी पूरा राउंड में उसे वो घुमा सकता है, हम हैंड्स को पूरा आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन एल्बो को पूरा नहीं घुमा सकते, हम एल्बो को 60 के एंगल में ही घुमा सकते हैं हम, और ये जो है ये 160 के एंगल में हम घुमा सकते हैं हमारा शोल्डर वाला जो ज्वाइंट होता है वो, बट नॉट दिस वे, ये देखो इसको कहते हैं बट नॉट दिस वे, यानी ऐसे आगे आगे करके उसे नहीं घुमा सकते। वाओ, तो नुजो क्या कहता है, वाओ कैन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, क्या मुझे आप और भी जो अदर लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आप साइंस में पढ़ते हो सजीव आणि निर्जीव वस्तू, तर इतर सजीवांच्या बाबतीत सुद्धा आपण तुम्हाला माहिती देशील का, नथिंग सिंपलर, व्हाट इज नथिंग सिंपलर, यस। तो यहाँ पे अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एलिफेंट के बारे में, देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है ये एलिफेंट है, और अब जो बॉडी पार्ट्स है एलिफेंट्स के, तो यहाँ पे ये टस्क है, टस्क तो हम फोर्थ ये 1.4 जो था हमारा द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, तो उसमें हमने टस्क पढ़ा है, टस्क के नहीं ये जो सुले दात असतात एलिफंटला बोरला तरते, ट्रंक, ट्रंक के नहीं बघा, ट्रंकचे सुद्धा दोन मीनिंग होतात या ठिकाणी, ट्रंक का मतलब होता है हत्तीची जी काही सोंड असते त्याला ट्रंक म्हणतो, झाडाचं खोड असतं त्याला सुद्धा ट्रंक म्हटल्या जातं। ये जो है इसका पूछ है यानी टेल है, ये बिल, ये फ्रंट लेग जो होते हैं, ये हाइंड लेग यानी पिछले वाले पैर, ये एलिफेंट के बारे में हम, तो ये जो पूरे वर्ड्स है ये भी आपको मीनिंग के साथ यहाँ पे समझना है और लिखना भी है, कॉपी करना है। ये स्पैरो दिया गया है यहाँ पे,
इसके विंग्स है, पंख, क्लॉ यानी उसका पंजा, नीचे वाला फीदर्स होते हैं, वो बारीक बारीक पीस बनतो अपन मराठी मध्ये त्याला, बीक या बिल इसे चोच ज्याला म्हणतो आपण। ही यहाँ पे एक बुल्स दिया गया है, यहाँ पे हॉर्न यानी उसके ये जो हॉर्न से सिंगे म्हणतो अपन त्याला, जॉ यानी उसका ये जबड़ा इतना जो पार्ट है इसे जॉ कहते हैं, ये उसके हूप खुर खुर असतात त्याला खाली पायाला, ह्या त्याला हूप म्हणतात। आणि हूज उसको क्या किया उसका अब प्लूरल फॉर्म में हूज कहा जाता है उसको। ये यहाँ पे लाइन लाइन दिया गया है उसकी मेन यानी आयाब विस्कस, उसके जो मूछ होती है वहाँ पे जो बाल होते हैं उसे विस्कस कहते हैं। ये पॉज उसके पंजा आता है उसका। तो ये है अदर्स एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन अक्षय ने उसको दी है। उसके बाद नुजो क्या कहता है, आई नो व्हाट डीज आर, दे आर एंटेनाज, यू आर राइट, इट्स अ स्नेल, ओ माई बजर रिंगिंग, माई टाइम ऑन अर्थ इज अप, आई मस्ट गो। बट यहाँ पे अब उसने क्या देखा है, एंटेनाज वाला ये जो है दोनों, ये क्या है एंटेनाज कहते हैं उसको, जिससे सिग्नल पाया जाता है। तो ये जो स्नेल होता है, ये स्नेल एनिमल जो होता है हमारा स्नेल, तो स्नेल को क्या होता है एंटेनाज होते हैं ऐसे ऊपर, तो वो वही पूछ रहा था उसके बारे में। और उसी के दौरान क्या हुआ, वो नोजो का बजर बजने लगा था यहाँ पे, और उस अक्षय को बता रहा है, ही सेड इज दैट माई टाइम इज ओवर, सो आई मस्ट गो नाउ बिकॉज माई बजर इज गोइंग टू रिंग, सो आई मस्ट गो नाउ। द अक्षय सेड थैंक्स फ्रेंड यू विजिटेड मी, आई लेट्स मीट अगेन, अगेन फिर से मिलेंगे। अब नुजो नुजो हट नुजो सेड थैंक्स फ्रेंड बाय, थैंक्स व्हाट ही व्हाई ही सेड थैंक, बिकॉज अक्षय हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड अदर लिविंग थिंग, एंड नाउ दिस शीप ऑल्सो गोइंग टू बैक एंड अक्षय टू बाय हिज फ्रेंड नुजो। सो सच टाइप वी जस्ट लर्न टूडे, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। स्टूडेंट इफ यू लाइक टूडेज लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, देन पॉइंटर्स जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, वो कल आपको पॉइंटर्स यानी इसके जो पूरे आंसर क्वेश्चंस है इसको हम एक्सप्लेन करके कल के पार्ट में देखेंगे। तब तक बाय एवरीबडी, गुड बाय, हैव अ नाइस डे यू ऑल ऑफ यू।